राम राम जी। सरोज सांगवान ब्लॉक में आप सबका स्वागत है और सब ठीक ठाक हो गए। हम तो यह प्रार्थना करें भगवान था भाई सब अपने परिवार में खुश मौज में हो। तो आज मैं अपना ये दो बात हुआ अगर, एक तो आप बीती एक जग बीती। तो आप तो बीती तो सहनी पर जग बीती है, जग में हो रही है भाई, जगत में सारे कही डाल की बात है। अगर आदमी इतना स्वार्थी होता जा रहा है किसी की भाई को कति शर्म लिहाज नहीं रह रही थोड़ी बहुत भी। इंसान पहला आपस में शर्म कराया करता ये कति नहीं रह रहा है, इतना स्वार्थी होता जा रहा है। अगर भाई एक दो रुपये पे भी आदमी की जान लेना तैयार हो गया है, और अपने दियात समाज में तो इस तरह का था भी नहीं कति। इस तरह का अपने दियाती समाज में भी अपने गामा में भी सयाल हो रहा है। तो एक बेबे बताने लगी मेरे तो अपने गाँव की बात, अबे हमारे गाँव में एक लुगाई मर गई और उसकी गल न्यू न्यू बनी। तो वे वाह बात मैं भी बताऊँ, और ये कति साची बात है और घनी पुरानी भी बात नहीं है, 10-15 दिन पहले की बात है। तो वे एक मारी काकी ताई कह लो वाह थी बेचारी, उसने सारी उम्र नू है मतलब दुख झेले। पहले साजे में थी, 3-4 दुरानी जठानी थी, तो और सब नौकरी लाग रहे थे जेठ देवर। उसका आदमी आली पाली था, तो आली पाली की लुगाई आप सब ने पता है किसी वो है बेचारी, धंधा खूब करे और उसकी कोई कुनबा कदर नहीं करया करे। तो उसकी गल भी आई बीती बेचारी गल खूब धंधा करया करती, नौकरी आले अपने इस तरह आ करते वह अपने नुआ पिटे धंधा पिटे जा करती। तो वे वह अपने बेचारी फिर भी अपना खुश थी, चल रहा था जीवन। तो देवर जेठ नौकरी लाग रहे थे, उन अपना मौका हा उत्ते वे तो सब न्यारे हो गए। वह बेचारी पहला तो साजे में खूब धंधा पीटा, तो बटवारे में तो बेचारी का क्या आना था, वो बटवारे में तो वो एक घर में तो वो एक खटोली और एक ओवरी बट आई और वे दो खूड। वे तो अपना नौकरी पर थे, अपना सारा काबू करके बढ़िया बढ़िया घर बना लिए, उस बेचारी का कुछ बट्टा नहीं आया। और तो फिर भी वह अपना ठीक थी, अपने उसका 3 बालक थे, तो 2 छोरे 1 छोरी, और अपने आदमी ने लेकर भाई चलो हो गए तो न्यारे कोई नहीं अपना गुजारा करूँगी। बेचारी ने बहुत कष्ट आता है अपने बालक पाले भाई, इतना उसका घर बाटा नहीं आया था क्योंकि 4-5 भाई थे। तो पहले एक वास अब ये साल कह लो एक वो होया करती, वो 4-5 हमके बाटा आनी थी, एक ओबरी सी आई उसका बाटा वह मैं बेचारी 2 खाटा पे का बालका ने आप गल लेकर सवानती नीचे नाच के कट्टे धरती, मतलब बहुत दिक्कत था उसने अपना जीवन व्यतीत कराया। फिर थोड़े से बालक ऊपर ना होए तो उसके आदमी को पता नहीं के बीमारी होगी भाई, सारी उम्र धंधा पीटा है, उस आदमी के गोडे वो हो जाया करें। तो उसका आदमी गुजर गया है बेचारी का, पहला तो उसका पापू कट गया उसके आदमी का, फिर वो आदमी भी गुजर गया है उसका बेचारी का, फिर उसका 3 बालक करवा रह गई। तो उसने अपने बड़े दुख दा खाता अपने बालक पाले, बालक दोनों छोरे का 3 कम्मे लकड़े, और जिसका बाप मर जा उसके बालकों ने बिगाड़नी अभी घने हो जाया करें, और बालक माँ की कम मान्या करें बाप की थोड़ी ज़्यादा दावरा आ करें। माँ बेचारी दाड़ी धप्पा करने चली जाती, बेटा स्कूल में चले जी, बालक की तांडन चले जाते। वो बालका ने भी नहीं सोची कि भाई मारी माँ इतनी दिक्कत में रही है, और तै सुख शांति तो माँ का सहारा बना, वे इतने निकम्मे कम्मे लकड़े आए अब माँ का कोई सहारा नहीं बने। वे छोरी थी वह एक बड़े हो गए बालक तेन शराबी कबाबी बन गए, छोरी थी वह ब्याह दी बेचारी ने। तो वह बेचारी सारी उम्र धंधा कराया था, तो उसके तो बुढ़ापे वो बुढ़ापा आना था, पहले बुढ़ापा आ गया उसमें, वह बीमार रहने लगी बेचारी। और क्यों नहीं होगा कि देख तेरी तने इतने दुखा था अपनी औलाद पाली वो कराया पढ़ाई लिखाई, अरे भी सारे दोनों छोरे निकम्मे लकड़े, एक भी काम का नहीं लकड़ा भाई, मेरा सारा अपना आदमी मेरा गुजर गया, सारी उम्र के परमात्मा मेरी गल नहीं वो करेगा। और सोच सोच कर बेचारी नू दिमाखी टेंशन करे रहती, और वह बीमार रहने लगी बेचारी। तो उस पर काम धंधा भी ऐसा नहीं बना था, और वो अपना नुआ गुजारा कर रही थी, पर नू थी भाई चलो मेरी छोरी तो सुख शांति तो बढ़िया घर में चली गई। तो बीमार होगी तो भाई छोरी तो पहले निकम्मी थे को कि चाल का जरा बेरा भी नहीं अकी ते लकड़का जा रही हैं, माँ ना कि दिखाओ थे। तो बेटी ने माँ दिखाई, कोई देवर जेठ कोई नहीं किसे कहे अब भाई मना थोड़ी बहुत सहायता कर दो भाई, मन दिखा दो कोई पीछा दे दो, कोई देवर जेठ ने सारा नहीं लगाया।
और फिर वह अपनी छोरी दौरे चली गई। छोरी बोली चल माँ मैं दिखाऊंगी, माँ छोरी ने एडमिट करा दी वाह डॉक्टर कह भाई प्राइवेट में दिखाऊंगी भाई। छोरी ने पीछा लगाने में कसर नहीं छोड़ दी, पर के कर जब उसका शरीर कति बेचारी का धंधा कर कर का टूट रहा था, तो डॉक्टर उसने के वो बचाव थे, तो वह भाई कई दिन एडमिट रही बेचारी ने प्राइवेट में। कई इफ्ता आप सब ने पता प्राइवेट में कितना खर्चा हुआ, कई दिन रहने में उसके घने रुपये लाग गए बेचारी छोरी के, पर माँ भी नहीं बची। माँ भी गुजर गई तो बेचारी पर के बीती है वह छोरी है जाना है, हमने तो के हम तो ऊँ कह दे हैं जिस पर बीतता वो है जाना है। तो उस छोरी ने नहीं सोचिए कि जो भाई होगी होगी, तो कम माँ ना माटी तो भाई अपने जो सासरे की है नसीब वो मैं अपने अपने सासरे के ऊपर लेकर जाऊँ भाई, गाँव में लेकर जानी पड़ेगी। तो उसने फ़ोन कर दिया छोरी ने अपने काका तौआ दो का काम, मेरी माँ गुजर गई अरे तुम आ जाओ और ले जाओ इसने और मैं भी आ जाएंगी, और तो कोई सैनी भाइया का मेरे का कोई अता पता है नहीं। तो वो काका तो कति नहीं लेन गए उसने मेडिकल में। तो वही गाँव क्या न किसी ने कही कि या तो बेइज्जती की बात है, छोरी अपने सासरे ले जाकर फूका गई उसने अपनी माँ ने, या तो गाँव की बेइज्जती होगी। तो भाई थोड़े समझदार आदमी थे गाँव के सरपंच सरपंच काका ताऊ तो गए नहीं, दो चार आदमी जाकर उसने उड़ेता है मेडिकल मत लियाए, कई हज़ार का बेचारी का बिल बन रहा था। वे डॉक्टर तो भाई मरे मरे पर उन्हें कोई मतलब नहीं होता इस बात का, अब भाई आदमी जीव है कि मर है उन्हें तो अपने पीछे बनाने हुए हैं, उन्हें तो कोई हज़ार का फर्रा दे दिया कि इसने जमा करवा जाओ इतने पैसे यार अपना ले जाओ। छोरी दौर जो कुछ थे बेचारी ने दे दिया कह हाथ पा जोड़ कर भाई फिलहाल तो मेरे दौरे इतने पीछे हैं और इसने भाई मेरी माँ ने दे दो गाँव घूम क्या के उड़े उन तक कहे पछ बड़ी मुश्किल तक लाश मिल ली। काका था वो कोई सारा लगानिया नहीं हुआ बेटी चल थोड़े बहुत पीछे हम देंगे, पोचे नहीं सारा तजब लगाओ थे लाश लेन। वो सरपंच और दो चार आदमी रहा छोरी बेचारी उस पर तो नुसना तो बीड़ी धरती होगी भाई, मेरी माँ भी चली गई मेरे तक कबाड़ बंद हो गया, माँ के सारा मैं गाँव में आ जाऊँ थी, गाँव में ले आए लाश ने बेचारी कारो रो का तो भाई होया एक बुरा हालक, मेरी माँ तो गई अरे मेरे तो पीर भी छूट गया, आना जाना भी नहीं रहा। तो भाई दाह संस्कार का जो खर्चा वो है भाई लाकड़ी को से और भी हो जाए उपरला। तो काका तो बोले जा आए किसी तक कहने लगे बेटी इसका खर्चा है ना जो कुछ इसका हमने पीछे दे दे तेरी माँ के लाकड़ी गोशिया का प्रबंध कर देंगे। तो देख लो कितनी मतलब शर्म की बात है, काका तो हुआ न कति शर्म नहीं आई, अब भाई इसकी माँ मर रही है बेचारी, अब मेडिकल में जो इस दौरा था उड़ा पीछे दिया ये भी अके अड़ा पीछे ले रही है, अब भाई इसका इतना भी इंतजाम नहीं कर पाए वे अब उगे लाकड़ी गोशिया का इंतजाम कर दे वो भी छोरी पे पीछे मांगने लगे। तो देखो कितना भ्रष्ट समाज हो गया है ना, तो भाई दस संस्कार तो ऊँ भी अड़ोसी पड़ोसी लाकड़ी दे कर ऊँ भी कर दिया करे, काका तो छोरी पे पीछे मांग दे। तो फिर वो छोरी ने वाह नहीं हो भी मैं पीछे दूंगी काका तो हुआ तही दूंगी। तो उसने छोरी ने भाई और गाँव घूम क्या ना सरपंच ने अक भैया भी बेइज्जती की बात है अक छोरी पे पीछे लेकर इसने फूकेंगे। तो भाई जो थोड़े दूर हटे थे सरपंच सरपंच और गाँव के का दे कुन ब्याह ने कोई रुपया नहीं दिया, उन्हें लाकड़ी लुकड़ी गोशिया का इंतजाम कराया जब उसकी माँ का दंश संस्कार होया। तो देखो ये भाईचारा का के होया जब भाई उस पर दो लाकड़ी गिरन जोगे नहीं हुए वे काका ताऊ, उन्हें नू शर्म करनी चाहिए थी, अक सारी उम्र इन थारा काम कराया है या थारे साथ जेम रही है काले बलद की डाला कमाई है पाछली पछाड़ी इस पर दो लाकड़ी गिरन जोगा तो तुम कर लो ये भी छोरी पर रुपये मांगो। और ये किते और किते की तो बात नहीं अपने देसी हरियाणा की बात से आड़े भी इतना भ्रष्ट समाज हो गया, तो सुनकर बहुत आख्या में मतलब काली आई। अग देखो अग बेटी है कुछ कर सके माँ का बोलो जेठ देवर भाई बेटे कति निकम्मे होते जा रहे हैं, यह बात सुनी तो मन बहुत दुखी होया वे बेचारी ने। फिर 8-9 दिन अपना जो कुछ था सारा खर्चा छोरी ने करया, काका तो हुआ ना कुछ नहीं करया बेचारी, फिर के कर करना पड़े उसने, या तो बात नहीं भी अपने सासरे पलड़ बिछा लियो पलड़ तो जंगाए नुगा करे जीता है भाई ब्याह लिया उड़े तो अर्थी उठा करे, यो तो अपने समाज में बन रही है ना। तो वह बेचारी छोरी वह बात है अपने उस सासरे भी ले जा सकती थी पर उसकी बेइज्जती थी उड़े जब उसने इतना खर्चा लगाया है, तो जो यो हमारे समाज में बना रखी है ना तो वह उड़े भी कर सकती थी, पर काका तो हुआ ना कोई नहीं सारा लगाया तेरा मिका का भाई उसके दाह संस्कार का कोई खर्चा दिया।
देखो कितना घटिया समाज हो रहा है। अगर भाई इतना भी नहीं है कि भाई इसका आगा पाछा कुछ नहीं है, इसने 2 लाकड़ी देकर फूक दो इतना आगा, तो फिर वे छोरी ने कित बुलाओ चलाओ थे कित तो वो रखा थे। तो बेचारी ने तो उसने तो नू होगी अगर देख, जब मेरी माँ के लाकड़िया के पीछे नहीं देने जोगे हुए तो भाई आगा मैं तो गाँव के रूख भी नहीं देखना आ सकूंगी। और के मेरा रह गया काका तौवा का, जब यही मेरी माँ के उसमें नहीं शामिल हुए भाई, 2 रुपये एक भी खर्चा कर दे गामा में, तो के खर्चा करना भाई, सब गामा में गोसे बटोड़े हों भी इकट्ठा कर ले, मोल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपस में भी कर ले। पर वे इतने गिरे उड़े इंसान थे, ईसे इंसाना का तो धरती पर बोझ है, और वे फिर ईसे ईसे आदमी है नू बनया करा काम दानी है, मुड़ा इतने रुपये दान करया है नू करया है दिखावा करना, ऐसे ऐसे आदमी सब तग होया करें, दिखावा इस तरह का नहीं होता कि भाई वो उड़ा पर्ची पड़वा दी और उड़ा पंचायत में हमने 11,000 दे दिए 21 दे दिए, कितने भाई आपस में गरीब आदमी का 2 रुपया का सारा लगाओ, वो सब तो बड़ा वो है। पर के करे समाज देखो इतना भ्रष्ट होता जा रहा है, और इस तरह की अपने समाज में पहला नहीं सुनिया करते हैं कि भाई इस तरह की आपस में सारा लगाओगे, पर आजकल तो कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं, आपा पोची इंसान हो गए। और माँ का तो भाई इतने माँ बाप रहे हैं, इतना इस डाला हो गया, फिर छोरी अड़ा पैदा ही नहीं हुई, काका ताऊ तो धरती पानी लेना तो तैयार हो जा है, पर न्यू सोचा है अब छोरी का करें कुछ नहीं, इतना बेकार समाज हो गया है। सब तो नहीं कह सकते भाई बंधु इसे रह भी रहे हैं जो बढ़िया है, अपनी बेटी बुआ ने बुला अपनी बुआ भाणा ने बुलाओ हैं, पर गिरे ऑर्डर इंसान गणे हो गए, कुछ तो ऐसे हो रहे हैं। छोरी ब्याह दी, माँ बाप मर गए तो ये भी इसका कुछ नहीं रहा, बाप माँ मरते इन्हू सोचा है या ताड़ा फालतू मारी है, अरे उसकी भी वह जन्मभूमि है अपनी भाई, जित वह पैदा हो रही है उसका भी उड़ा अक्स है, वह बेचारी के ले जा है अपने आ जा भाई मिल फेट जा, दो गांव के रूख देख जा अपने काकी ताइया ने फेट जा, सब तो इतना ही चाव है ना, तो सब अपने घर में भाई दुखी हैं सुखी हैं सब अपने घर में है, कोई किसी का भूखा नहीं है, आदर मान का भूखा है, और यो समाज में भी रह नहीं रहा। छोरिया का तनु सोचा मेरे ना कितना बड़ा बोझ है, अरे उन दान करते आ डेंगे पर बेटी ने निकाह कर अपने दी बेटी ने देकर राजी नहीं, तो इतना घटिया समाज हो गया। अरे मैं तेनू मानू चल बेटी ने भी ना बुलाओ तो बेचारे उस लुगाई तो 2 लाकड़ी दे सके थे, इतना बेकार दुनिया हो गई है। तो वे सुनी तो मेरे तो नुका करें कति रूम रूम खड़ा हो गया कि भाई बेटी पे के बोझ पड़ा, जब उसकी माँ की लाश घरा पड़ी और उसने उसने और तो होश नहीं हुआ, उसने नू कह अकी का जो खर्चा है वो भी तू दे, मेडिकल में तो बेचारी जो अपने पीछे पैसे दी आई थी फिर भी उस पर वो बेटी की अछती है हैं। तो हम तेनू कहेंगे परमात्मा भाई उस मरण वाली की आत्मा ने शांति दे और बेटी ने सद वो दे, मतलब शांति भाई उसने उस दे भाई इतना को अपनी इस दुख तो उबर पावे, हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं बस। और वे मेरी वीडियो यही थी, और के बताऊँ कुछ गलत कह दिया हो और गलत लग गया हो तो माफ़ करो, वे भाई भाभी हम भी हैं और मारी भी हैं, पर आजकल आपा पोची ज्यादा हो गए, बाण बेटी का समझनिया कम है ना, तो बाण बेटी दे दे तो कोई नहीं घटता है, और इस तरह की काका ताऊ जेठ देवरा का पहला बहुत वो होया करता है, कति खत्म होता चल रहा दुनिया, कति आपा पोची हो रही है कम, आपापना वो होना चाहिए, और मेरा केला गया और दान पुण और दिखावा हो जीत उड़े इतने इतने रुपये खर्च कर देंगे। तो वे मेरी वीडियो नाड़े एंड करूँ और हाथ जोड़ का प्रार्थना है, और मेरी वीडियो में क्यों गलती हो तो बताइयो, और वे मेरी बात किसी लगी कमेंट करके बताइयो, और ईब सब ने राम राम।